सुनो नमस्कार। 10th क्लास में ज्यामितीय रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से 5 नंबर की एक ज्यामितीय रचना आती है, आठवां अध्याय है ये। 10th क्लास बच्चे निकालने ज्यामितीय रचना है। परिवृत्त किसी त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाने वाला व्रत उसका परिव्रत कहलाता है। किसी परिव्रत का केंद्र यह त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। अंतर्व्रत किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला व्रत
उसका अंतःव्रत कहलाता है। अंतः केंद्र किसी अंतःव्रत का केंद्र अंतः केंद्र कहलाता है। यह त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो परिव्रत, परिकेंद्र, अंतःव्रत और अंतः केंद्र की परिभाषाएं हैं। अब किसी त्रिभुज के परिव्रत की रचना के चरण। की रचना के चरण जिसमें पहला पॉइंट है त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं के परिव्रत के लंब समद्विभाजक खींचना। दूसरा पॉइंट है माना समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं।
तीसरा बिंदु है इसमें, ओ को केंद्र लेकर ओ से त्रिभुज के किसी शीर्ष की दूरी के बराबर व्रत बनाया यही अभीष्ट परिव्रत होगा। त्रिभुज की परिव्रत के रचना के चरण है। अब एक किसी त्रिभुज के अंतर्गत कराकर त्रिभुज के अंतःव्रत की रचना के चरण। इसमें पहला बिंदु है त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक खींचना या कोणार्धक खींचना। त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के अर्धक खींचना या समद्विभाजक करना, खींचना। दूसरा बिंदु है माना कोणों के अर्धक को बिंदु ओ पर काटते हैं। क्या प्रतिषेध करते हैं। तीसरा बिंदु है बिंदु ओ से किसी एक भुजा पर
लंब ओएन खींचा, जो आपको नाम देना है नाम दे सकते हैं, ओएन ओए जो भी आपको चाहिए, ओएम लंब खींचा, चौथा बिंदु है ओ को केंद्र लेकर या मानकर ओएम की त्रिज्या से वृत्त खींचा, यही अभिष्ट अंतःव्रत होगा। तो ये अंतःव्रत की रचना के चरण थे। इससे पहले आपको त्रिभुज के परिव्रत की रचना के चरण बताए, फिर अंतःकेंद्र और अंतःव्रत की परिभाषा और परिकेंद्र की परिभाषा। तो परिव्रत जो है किसी त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाने वाला व्रत उसका परिव्रत कहलाता है। परिकेंद्र किसी परिव्रत का केंद्र परिकेंद्र कहलाता है, यह त्रिभुज के शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। फिर अंतःव्रत किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला व्रत उसका अंतःव्रत कहलाता है। अंतःकेंद्र किसी अंतःव्रत का केंद्र अंतःकेंद्र कहलाता है, यह त्रिभुज की भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। किसी त्रिभुज की रचना के चरण, पहला बिंदु है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना, दूसरा मानस समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, ओ को केंद्र लेकर ओ से त्रिभुज के किसी शीर्ष की दूरी के बराबर चाप लेकर व्रत खींचा, व्रत बनाया जो त्रिभुज का अभिष्ट परिव्रत होगा। इसका नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के अंतःव्रत की रचना के चरण, त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के अर्धक खींचना, माना कोणों के अर्धक एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, बिंदु ओ से किसी एक भुजा पर लंब ओएम खींचा, ओ को केंद्र मानकर या ओ केंद्र लेकर ओएम की त्रिज्या से व्रत खींचा जो त्रिभुज का अभिष्ट अंतःव्रत होगा। तो ये आपके रचना के चरण थे। अब आप 8.1 प्रश्नावली में पहला सवाल है इसमें जो 2017 के पेपर में आया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचना, त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, भुजा जो है त्रिभुज की 8 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या की माप बताइए। तो सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर की है भुजा खींचिए,
इसको नाम दे दिए बीसी, 8 सेंटीमीटर। अभी 8 सेंटीमीटर या प्रकार रखिए, 8 सेंटीमीटर की दूरी ये नापिए और बी बिंदु पर प्रकार रख के 8 सेंटीमीटर का ऐसा एक चाप काटिए, क्योंकि 8 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है, तीन भुजाएं समान होनी चाहिए। सी बिंदु पर भी 8 सेंटीमीटर की नाप लेके प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर का चाप काटना है। जहां चाप कटेंगे उस कटान बिंदु को नाम दीजिए ए। ए को आप बी से मिलाइए और ए को सी से मिलाइए। तो त्रिभुज एबीसी की सबसे पहले आपको रचना करनी है, समबाहु त्रिभुज एबीसी। अब कोण बी अर्धक आपको आता है, बी बिंदु को प्रकार रखिए और अंदाज से कोई त्रिज्या लेकर ऐसे चाप काटिए। फिर यहां चाप कट रहे हैं ए बी और बी सी भुजा पर, ये दूरी होनी चाहिए आधे से अधिक ले लेंगे आपको। इस बिंदु पर प्रकार रखिए फिर आधे से अधिक दूरी लेके चाप काटिए। फिर ये जो ए बी पर जहां चाप कट रहा है यहां से भी आपको उतनी ही दूरी का एक चाप काटना है। चापों के कटान बिंदु को बी से मिला दीजिए। ये लंबी रेखा खींचनी, ये हो गई बी। इसी प्रकार कोण सी का भी अर्धक खींचना है, ऐसा एक चाप काटिए अंदाज से कोई त्रिज्या। फिर ये जो चाप ए सी और बी सी पर कट रहा है आधे से अधिक दूरी लेके फिर एक यहां पर चाप काटिए, फिर यहां से एक चाप काटिए। चापों के कटान बिंदु को आप मिला दीजिए सी बिंदु से। ये आपका हो गया सी की। अब दोनों कोणों के जो अर्धक हैं वो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं ओ बिंदु पर। ओ से किसी एक भुजा ये बीसी पर आपको लंब खींचना है। लंब कैसा खींचेंगे, ओ बिंदु पर प्रकार रख के बीसी पर ऐसा एक चाप काटिए। ये जहां पर चाप कट रहे हैं बीसी पर, इस बिंदु से फिर एक चाप उतनी दूरी लेकर, फिर इस बिंदु से एक चाप। इस ओ को आप इन चापों के कटान बिंदु से मिला दीजिए। ये आपकी हो गई ओ आर। और बीसी से ये जो रेखा जा रही है लंब जा रहा है इसको मान लीजिए ओ एल। ओ पर प्रकार रखिए और ओ एल त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए। तो त्रिभुज एबीसी का अभिष्ट अंतर्वृत्त हुआ। तो फिर से इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि 5 नंबर में रचना आती है, अभी 2017 के पेपर में आई थी। एक समबाहु त्रिभुज 8 सेंटीमीटर का है और उसका अंतर्वृत्त खींचिए और उसकी त्रिज्या भी, वृत्त की त्रिज्या भी नापिए। तो सबसे पहले आप त्रिभुज एसी की रचना करिए, क्योंकि तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कोण बी और कोण सी का अर्धक खींचना है, दोनों अर्धक मान लीजिए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद या काटते हैं। ओ बिंदु से बीसी भुजा पर लंब खींचना है ओ एल, लंब खींचा और ओ से एल तक की दूरी लेके एक वृत्त खींचना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाएगा। तो ये त्रिभुज एबीसी का अभिष्ट अंतर्वृत्त कहलाएगा। अब ये
तीन नंबर की थी रचना बनाने को आता है और दो नंबर की रचना के चरण लिखने को होता है। तो ये कुल पांच नंबर की रचना होती है और ओ से एल तक की दूरी जो है ये त्रिज्या को नापना है। इसको आप नापेंगे वो लगभग आपका 2.3 सेंटीमीटर की आती है। तो रचना के चरण लिखिए आप सबसे पहले, क्योंकि तो रचना के आप चरण नहीं लिखेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। रचना के चरण, पहला बिंदु है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें एबी बराबर बीसी बराबर सीए बराबर 8 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर की। दूसरा बिंदु है इसमें कोण बी और कोण सी के अर्धक क्रमशः बीपी एवं सीक्यू खींचे। जो परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं को प्रतिच्छेद या काटते हैं। तीसरा बिंदु है इसका ओ को केंद्र मानकर ओ आर लंब खींचा बीसी पर। जो बीसी को बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करता है। एल पर काटता है। चौथा पॉइंट है इसमें ओ को केंद्र मानकर ओएल की लंबाई के बराबर
त्रिज्या का एक वृत्त या बनाया। पांचवा बिंदु है यह रथ बीसी सीए और एबी क्रमशः एल एम और एन बिंदु पर एन बिंदु पर अंतः स्पर्श करता है। छठवां बिंदु है त्रिज्या ओएल को नापना है, वृत्त की जो त्रिज्या है। बराबर 2.3 सेंटीमीटर की आती है। ये त्रिभुज एबीसी का अभिष्ट अंतर्वृत्त हुआ, वृत्त की त्रिज्या कितनी हुई 2.3 सेंटीमीटर। रचना के चरण फिर से समझने का प्रयास करें आप। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना की जिसमें एवी बराबर बीसी बराबर सीए बराबर 8 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। कोण बी और कोण सी के अर्धक क्रमशः बीपी और सीक्यू खींचे, जो परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। ओ को केंद्र मानकर ओ आर लंब खींचा बीसी पर, जो बीसी को बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। पांचवा चौथा बिंदु है ओ को केंद्र मानकर ओ एल की लंबाई के बराबर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। यह वृत्त बीसी सीए और एबी को क्रमशः एल एम और एन बिंदु पर अंतः स्पर्शता है और ओएल जो वृत्त की त्रिज्या है उसको नापा तो वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर की आती है। तो ये त्रिभुज बीसी जो समबाहु त्रिभुज है उसका अभिष्ट अंतः वृत्त हुआ और जिसमें वृत्त की त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर। तो अंतर्वृत्त और परिवृत्त में से एक रचना आती है जो 5 नंबर की रहती है, 5 अंकों की है। तो इसमें एक अंक जो है वो त्रिभुज बनाने का वह है और 2 अंक जो है आपका कोणों का अर्धक खींचना या भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना, मतलब परिवृत्त और अंतर्वृत्त बनाना, वो 2 नंबर का है और रचना के चरण लिखने के भी 2 नंबर है। तो ऐसे कुल मिला के 5 नंबर की रचना आती है। तो ये आज मैंने आपको समझाया परिवृत्त, परिकेंद्र, अंतर्वृत्त, अंतर्केंद्र, परिवृत्त की रचना के चरण, अंतर्वृत्त की रचना के चरण और अंतर्वृत्त कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझाया। इसमें किसी को कोई डाउट हो, शंका हो तो पूछ सकता है। धन्यवाद।